पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे पीछे एक पोस्टर है और इस पोस्टर को ठीक से दिखाइए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे। ये पोस्टर रहे हैं कि जेडीयू की एक तरफ राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, दूसरी तरफ जे सचिव हैं छोटू सिंह, उन्होंने इस बैठक को लेकर जो गहमा गहमी थी, गर्माहट थी, वो तो पहले से थी, लेकिन इस गर्माहट को बढ़ा दिया है छोटू सिंह ने। जेडीयू के महासचिव हैं, एक पोस्टर लगवाया है लगातार के बाहर और मांग है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। भारत सरकार से ये मांग की गई है कि प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू नेता पंकज सिंह हैं। पंकज जी, इतनी बड़ी मांग कर दी जेडीयू की बैठक से पहले, मौका तलाश लिया आपने? मौका नहीं है, आग्रह है माननीय नेता के। आज जो है पिछले 19 सालों से जो काम कर रहे हैं, पूरा बिहार ने, पूरा दुनिया देख रहा है, ऐसे ही इनको जो है क्लाइमेट लीडर नहीं बोला गया है। तो हम लोग का आग्रह है माननीय भारत के प्रधानमंत्री से कि जो हमारे नेता को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए, जिससे कि पूरा गौरवान्वित होगा बिहार, पूरा देश, पूरा दुनिया। जी, मानेंगे मोदी जी बात? आग्रह करेंगे ना, हमारे नेता ने के बारे में जो है छोटू सिंह ने जो छपाया, हम पुरजोर समर्थन करते हैं, आग्रह करेंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से पत्राचार किया जाएगा, जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। दिल्ली भी जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। हाँ जाएंगे, पत्राचार के माध्यम से जब हम लोग का बुलावा आएगा तो जाएंगे। जी, जेडीयू की अहम बैठक अंदर चल रही है, ये मांग अंदर भी उठेगी क्या? बिल्कुल गए हैं प्रदेश महासचिव छोटू सिंह जी अंदर भाई गए हैं, अंदर में ही आप तो वही बताएंगे ना। हम लोग जो पुरजोर समर्थन करते हैं, पूछे सब भाई लोगों से कि सबको मांग है कि नहीं? सबका मांग है, सबका मांग है। देखिए ये आए हुए हैं बिहार शरीफ से, ये आए हुए हैं, क्यों मिलना चाहिए भारत रत्न? क्योंकि बिहार को संवार दिया है पिछले 19 साल से, बिहार पे जो योगदान दिया नीतीश कुमार जी ने, सारा जितना पिछड़ेपन था, जो दशा था, सब बाहर निकाल दिया है। अब विकसित बिहार बनाना है उनके लिए, देश भर में उपलब्धि है, इसीलिए उनको भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए जो नीतीश कुमार, आज के देश में नीतीश कुमार ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर बिहार के हित के लिए काम किया। समाजवाद के सबसे पुरोधा आज के जो भारतीय राजनीति में है, ऐसा नेता जो परिवारवाद से दूरी और समाजवाद के सच्चा पुरोधा, मैं तो नीतीश कुमार के जो उन्होंने बिहार को संवारा है, हर क्षेत्र में बिहार के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया है, और जो इन्होंने कहा है कि हमारा जो बिहार है पूरा परिवार है, इसी मूल मंत्र को लेकर, तो ऐसे महापुरुष को, ऐसे जो बिहार के नेता हैं, जो भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे गरीबों हो, दलितों हो, सोचतों हो, अति पिछड़ा हो, हर समाज के उत्थान के लिए काम किया है, समाज के किसी वर्गों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, और समाज के समावेशी विकास के लिए काम किया है। तो मैं कहूँ, जरूर कहूँगा कि ऐसे विकास पुरुष, ऐसे समाजवादी नेता को जरूर भारत रत्न नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। तो पोस्टर के जरिए जेडीयू ने ये केंद्र सरकार से मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद।